नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से पूरे कोशिशें कर रहा है। इसी क्रम में संगम बिहार विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और उनके साथ थे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। जब तीनों बड़े दल और तीनों दल के राष्ट्रीय अध्यक्षों का मिलन एक स्टेज पर हुआ, एक मंच पर हुआ, तब उन्होंने अपने अपने तरीकों से दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। चिराग पासवान बोलने के लिए जब पहुंचे तो चिराग पासवान ने अरविंद केजरीवाल सरकार को शुरू से लेकर के आखिरी तक अपने निशाने पर रखा और केजरीवाल सरकार पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। CAA समेत दिल्ली के विकास के मुद्दे पर, खराब पानी के मुद्दे पर दिल्ली में, और संगम बिहार के क्षेत्र में बदहाल सड़कों पर भी लगातार उन्होंने अपने को अपने सामने केजरीवाल को निशाने पर रखा और पूछा कि आपने जब विकास किया है तो इतना बदहाल संगम बिहार क्यों है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के सभी दल CAA पर बहुत बड़ा भ्रम फैला रहे हैं, इनको सत्ता से हटाने की जरूरत है। चिराग पासवान ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय माननीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेताओं ने CAA पर अपनी राय स्पष्ट कर दी है और कहा है कि ये नागरिकता लेने का नहीं है, तो फिर दिल्ली में भ्रमित क्यों किया जा रहा है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि दिल्ली चुनाव में विकास के नाम पर लड़ने के बजाय CAA पर जनता को केजरीवाल भ्रमित कर रहे हैं ताकि विकास के नाम पर चुनाव ना लड़ा जा सके। चिराग पासवान आगे भी कहते हैं कि दिल्ली की सरकार विकास के दावे तो करती थी लेकिन उसका काम बिल्कुल विकास वाला नहीं था, जिसके बाद से पूरे दिल्ली के हालात बदतर हुए हैं। उन्होंने कहा कि NDA और हम सभी दल मिल करके पूरे देश का विकास कर रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार की भी तारीफ की और कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल में हमने जंगल राज को खत्म किया। बहुत सारी बातें कर रहे हैं और जमकर निशाना साध रहे हैं अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली की और तमाम विपक्षी नेताओं पर। देखिए क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने। इस सम्मानित मंच पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर बिहार प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे अभिभावक, मेरे पितातुल्य आदरणीय नीतीश कुमार जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर यहां पर NDA के, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर SCL गुप्ता जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर माननीय मंत्री संजय झा जी, मौजूद इस मंच पर माननीय मंत्री मदन सैनी जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चंदन सिंह जी, मौजूद यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद वीना देवी जी, मौजूद यहां पर सांसद और मेरे साथी मनोज रजौरिया जी, जो बहुत खूबसूरती से मंच का संचालन कर रहे हैं, मौजूद यहां पर माननीय सांसद कौशलेंद्र जी, मौजूद यहां पर माननीय सांसद संतोष जी, मौजूद यहां पर पूर्व सांसद काली पांडे जी, लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे विधायक राजू तिवारी जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर तमाम वरिष्ठ नेतागण, यहां पर आए हुए तमाम माताएं, बहनें, बुजुर्गों, प्रेस मीडिया के मेरे तमाम साथी, तमाम मेरे नौजवान युवा साथी, सबसे पहले आप सबको चिराग पासवान का प्रणाम। साथियों, आज एक खास उद्देश्य से यहां आप लोगों के बीच आया हूं। आप सबको पता है दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, 8 तारीख को मतदान है। 8 तारीख का मतदान निर्धारित करेगा हम सबके आने वाले 5 साल का भविष्य। हम लोगों ने पिछले 5 साल भी देखे और पिछले 5 साल निरंतर विरोधाभास में गुजरे। राज्य सरकार की अनबन केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार की कोई योजना पूर्णतः राज्य सरकार ने धरातल पर नहीं उतरने दी और निरंतर यह आरोप लगाते रहे कि भैया केंद्र सरकार काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार काम नहीं करने देती। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भैया जिस राज्य में
डबल इंजन की सरकार लग जाए उस राज्य को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता। और अब वो डबल इंजन की सरकार बनाने का समय अब आया है। अब हमें जरूरत है सही मायनों में दिल्ली में एक डबल इंजन की सरकार बनाने का। जिस तरीके से केंद्र में हमारी एनडीए की सरकार है उसी की तर्ज पर राज्य में हमें एनडीए की सरकार चाहिए। और इसका लाभ क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने खुद इस बात का अनुभव किया है। हमारे प्रदेश बिहार में जिस तरीके से केंद्र में एनडीए की सरकार है, राज्य में एनडीए की सरकार है, केंद्र सरकार की योजना पूरी तरीके से राज्य सरकार धरातल पर उतारती है और वहीं राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है उसको केंद्र सरकार पारित करती है। ये तालमेल बैठना बहुत जरूरी है। जैसा अभी हमारे साथी मेरे भाई रमेश विदुड़ी जी ने कहा, निरंतर विरोधाभास रहा कि भैया प्रधानमंत्री काम नहीं करने देते, केंद्र सरकार काम नहीं करने देती, एलजी यहां पे काम नहीं करने देते, ताकि भविष्य में पुनः हमें काम ना करने के बहाने ना सुनने पड़े। उसके लिए जरूरी है कि हम लोग राज्य में एनडीए की सरकार बनाए। और इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है कि मैं यहां जहां संगम बिहार में खड़ा हूं, यहां पर जहां पर बिहार के, उत्तर प्रदेश के, पूर्वांचल की इतनी भारी संख्या में लोग हैं, हमारे लिए इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है कि जब बिहार की सबसे लोकप्रिय पार्टी जनता दल यूनाइटेड का कोई विधायक जब दिल्ली की विधानसभा में जाएगा तो बिहार पूर्वांचल की तमाम समस्याओं को, यहां पर रहने वाले बिहार पूर्वांचल के तमाम लोगों की आवाजों को बुलंदी से वहां पर उठाएगा। साथियों, जरूरत है हमें एक ऐसे नेता को चुनकर हमारी विधानसभा में भेजने की जो वहां पर जाकर बहाने ना बनाए, जो काम ना करने के लिए निरंतर एक के बाद रुकावटें हमें ना गिनाए, बल्कि एक ऐसे नेता को चुनकर हमें भेजने की जरूरत है जो दिल्ली की विधानसभा में जाकर दिन रात ईमानदारी से आपके लिए काम करे, आपकी समस्या का समाधान ढूंढे। और ये एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी एक ऐसे प्रदेश का नेतृत्व खूबसूरती से पिछले 15 साल से कर रहे हैं जो प्रदेश जंगल राज के दौर से गुजरा। हम सबको वो समय भी याद है, 90 का वो दशक, जहां दिन रात हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती चरम सीमा पर होती थी। ऐसे दौर से हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश को ना सिर्फ निकाल कर लाए बल्कि उसको खूबसूरती से संवारा है। उस पार्टी के प्रत्याशी हैं यहाँ पर गुप्ता जी। इसीलिए साथियों, ये आग्रह करने आया हूं मैं आपसे कि ऐसे नेता को चुने, ऐसी पार्टी को चुने, ऐसे गठबंधन को चुने जिनका लक्ष्य सिर्फ काम करना है, ना कि जात पात धर्म मजहब में उलझा के रखना, जो निरंतर यहाँ के तमाम विपक्षी दल करते आए हैं, लोगों को भ्रमित करते आए हैं। काम किया नहीं, गिनाने के लिए कुछ है नहीं, वादे दुनिया भर के किए भैया, वाईफाई से लेके सीसीटीवी से लेके स्ट्रीट लाइट से लेकर दुनिया भर के यहाँ पर वादे किए गए, पर अब चुनाव जब आया तो गिनाने के लिए कुछ नहीं है, तो जनता को जाके भ्रमित किया जा रहा है सीएए के नाम पर, एनपीआर के नाम पर, एनआरसी के नाम पर। मैं पूछना चाहता हूं कि भैया क्यों, किस बात के लिए आप लोग को जाकर वहां पर भ्रमित कर रहे हैं? सीएए निरंतर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता निरंतर इस बात को कहते आए कि भैया सीएए नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता छीनने वाला नहीं। पर उसके बावजूद जनता के बीच जाते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं कि भैया ये सरकार सीएए कानून आ गया, तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी, तुमसे दस्तावेज मांगे जाएंगे, लाइनों में लगा के रखा जाएगा। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, सीएए का भारत में रहने वाले किसी भी मूल निवासी से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है भारत के निवासी से। यह एक ऐसा कानून है जो कि तीन दूसरे देशों के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको नागरिकता देने का कानून है, पर भ्रमित क्या किया जाता है कि भैया ये कानून आ गया तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी। साथियों, जरूरत है हमें ऐसे राजनीतिक दल और ऐसे राजनेताओं से बचने की जो हमें भ्रमित करते हैं, जो हमारे बीच में बंटवारा करने का प्रयास करते हैं। पिछले लगभग 1.5-2 महीने से निरंतर बंटवारे की आग इन्होंने लगा के रखी हुई है, अराजकता का माहौल यहां पर इन्होंने बना के रखा हुआ है। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि दिल्ली में चुनाव है और मौजूदा सरकार और मौजूदा मुख्यमंत्री दिल्ली, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है, तो इस तरीके के बहाने बनाए जाते हैं। एनबीआर की बात करते हैं, भैया कौन से उसमें आपके कहा जाता है कि भैया आपके माता पिता का आपका पूछा जाएगा कि उनका जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या है? साथियों, कुछ नहीं पूछा जा रहा है, यह भ्रमित किया जा रहा है कि एक डाउटफुल लिस्ट बनाई जाएगी, कोई डाउटफुल लिस्ट नहीं बनाई जा रही है, यह सिर्फ हमें भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। और आपके माध्यम से मैं चाहता हूं
कि आपके माध्यम से घर घर हर परिवार संभवतः हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचे कि किस तरीके से बंटवारे की राजनीति की जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री मजबूती से खड़े होकर बोलते हैं कि भैया एनआरसी का दूर दूर तक कोई प्रश्न नहीं है, पर बार बार लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि भैया एनआरसी आएगा तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी। क्यों क्यों इस तरीके की आगजनी का माहौल, अराजकता का माहौल यहां पे बना के रखा हुआ है। साथियों, ये जिम्मेदारी अब हम सब के ऊपर आती है कि हम सब अपने माध्यम से जितना हो सके घर घर परिवार तक जाकर इस बात को बताएं कि कौन लोग बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं और कौन सी सरकार, कौन सा गठबंधन ईमानदारी से आपके लिए काम करना चाहता है। साथियों, जिस तरीके से बिहार उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एनडीए की सरकार बनाई जो दिन रात सिर्फ विकास को अपना मूल मंत्र मानकर दिन रात काम कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार के यहाँ पर मौजूद हैं। बिहार जाकर देखिए, यहाँ पर संगम बिहार की गलियां देखिए, सड़कें देखिए किस बदहाल हालत में है, और बिहार के आप गांव तक जाके देख लीजिए किस खूबसूरती से हमारे मुख्यमंत्री जी ने सड़कों का जाल बिछा रखा है। साथ निश्चय के तौर पर किस तरीके से आज ये पानी देने की बात करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कब से इस लक्ष्य को उठा रखा है, हर घर नल का जल और स्वच्छ जल, साफ जल। यहां पर ये बात करते हैं कि भैया हम पानी दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, पानी की गुणवत्ता देखिए। मेरी पार्टी के नेता, हमारे संस्थापक, मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पानी की गुणवत्ता की जांच करवाई थी और पता चला कि यहां का पानी किसी भी मापदंड पे खरा नहीं उतरता, पीने के लायक नहीं है। और ये यहां पर नारा देते हैं कि भैया हमने पानी पहुंचा दिया हर घर में, क्या करेंगे ऐसे पानी का जो पीने के लायक ना हो। इसीलिए साथियों, अंत में आप लोगों से बस इतना ही आग्रह करूंगा कि एक तरफ आपके आपके सामने उदाहरण है पिछली 5 साल की सरकार का, और दूसरी तरफ आपके पास उदाहरण है पिछले 15 साल खूबसूरती से बिहार को संवारने का, और पिछले 6 साल से केंद्र में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की सूरत खूबसूरत बना दी है। जरूरत है हमें ऐसे नेताओं को चुनने की, जरूरत है हमें ऐसे गठबंधन को चुनने की। जब यहां से गुप्ता जी विधायक बनकर जाएंगे तो अकेले सिर्फ गुप्ता जी नहीं होंगे, गुप्ता जी के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी खड़े हैं, उनके साथ हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी खड़े हैं, उनके साथ हमारे मेरे नेता मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी खड़े हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनके साथ खड़े हैं। इसीलिए साथियों, ये आग्रह करूंगा कि इनको भारी मतों से यहां से विजयी बनाकर आप इनको दिल्ली की विधानसभा में भेजें आगामी 8 तारीख को। 8 तारीख को सुबह ही अपने घर परिवार, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, यार दोस्त, भाई बंधु सबके साथ जाएं और भारी मतदान वहां पर जाकर करें। 8 तारीख को तीर छाप पर जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह, कमल, बंगला सब एक है, पर यहां पर तीर छाप पर जाकर अपना बटन दबाएं और इनको भारी मतों से यहां पर यहां से विजयी बनाएं। बस यही आग्रह करने मैं यहां आप लोगों के बीच आया हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो आपने देखा कि पूरे दिल्ली के दंगल में हर राजनीतिक दल ताल ठोक चुके हैं और देश की जनता को अपने तरफ से पूरी बयानबाजी के साथ अपने पाले में बटोरने के फिराक में लग चुके हैं, और दिल्ली का चुनाव भी नज़दीक आ चुका है। 8 फरवरी को चुनाव होने हैं और ऐसे में पूरे दिल्ली भर में जगह जगह प्रचार जारी है। इसी क्रम में पहुंचे थे जेपी नड्डा, नीतीश कुमार और चिराग पासवान संगम विहार। संगम विहार ये वही क्षेत्र है जहाँ से जदयू को टिकट मिला है और जदयू के उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका साथ भारतीय जनता पार्टी दे रही है, एलजेपी दे रही है, लोक जनशक्ति पार्टी दे रही है, तीनों पार्टियां एक साथ हैं। तो देखना ये होगा कि इस बार दिल्ली के चुनाव में ये जो गठबंधन को एक नई रणनीति के तहत अपनाया गया है, झारखंड चुनाव के बाद से बीजेपी लगातार इस काम को कर रही है कि अपने सहयोगियों को नाराज नहीं करना है, जिसके बाद से उन्होंने ये गठबंधन किया दिल्ली के अंदर, जिसमें 2 सीटें जदयू को दी गई है, बुराड़ी विधानसभा और यहां पर संगम विहार विधानसभा। दूसरी तरफ कांग्रेस भी तालमेल के साथ नजर आ रही है। कांग्रेस ने भी आरजेडी से गठबंधन किया, कल तेजस्वी यादव समेत तमाम बड़े नेताओं दिल्ली के चुनावी दंगल में रैली किए और जनसभा को संबोधित किया, साथ ही साथ उन्होंने रोड शो भी किया, और आरजेडी भी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। देखना यह होगा कि 8 फरवरी
कि वोटिंग के बाद से जब 11 फरवरी को नतीजे आएंगे तो दिल्ली की जनता किसको अपना सत्ता सौंप रही है। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, लगातार कवरेज देखिए और हम लगातार बने हुए हैं, पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लगातार कवर कर रहे हैं, हर एक जगह से जहां पर राजनीतिक पार्टियां प्रचार करने जा रही हैं तो हम उनसे लगातार संपर्क में आपको पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।